जय हिंद दोस्तों ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है कंप्लीट देखना है इस वीडियो में प्रिलिम्स में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियो का कोशिश ये होनी चाहिए अगर आपका समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं। और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिविजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये पर जरूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न देखेगा वीडियो पूरा देखेगा अंत तक हेलो दोस्तों यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है यूपीएससी हिंदी द्वारा यू पी पी सी एस प्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इस क्लास के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को डिस्कस कराया जाता है देखेंगे इस क्लास में प्रतिदिन जो है तीस प्रश्न यहाँ कवर किए जाते हैं एक टेस्ट सीरीज के और वर्तमान में इस टेस्ट के पार्ट फाइव को अभी डिस्कस किया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम सामान्य विज्ञान यानी साइंस के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं देखेंगे पार्ट फाइव में एक क्लास इसके पहले हो चुकी है आज की क्लास जो है दूसरी क्लास है तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज के अगले प्रश्न को देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न है कि फोटोवोल्टिक सेल है प्रश्न कह रहा है फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं वो किस प्रकार के सेल हैं और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन है सौर सेल ऑप्शन बी है थर्मल सेल ऑप्शन सी है सल्फर सेल और ऑप्शन डी है मोलर सेल तो इसमें देखेंगे फोटोवोल्टिक सेल किस प्रकार के सेल हैं और इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा यानी जो फोटोवोल्टिक सेल है वो सौर सेल है अगर फोटोवोल्टिक सेल को देखें तो फोटोवोल्टिक सेल में जो है अर्धचालकों की दो या दो से अधिक परतें होती हैं इसमें हम देख लेंगे अर्धचालकों की दो या दो से अधिक परतें होती हैं, जिनमें एक परत धनात्मक आवेश वाली तथा एक परत ऋणात्मक आवेश वाली होती है और ये दोनों परतें जो है कि एक दूसरे से सटी होती हैं और इसी में हम देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा के छोटे पैकेटों से युक्त कुछ फोटान होते हैं जो सेल को हिट करते हैं और जहाँ यह या, या तो परावर्तित हो जाता है या इसका प्रकाश जो है अवशोषित हो जाता है तो इस प्रकार हम देखेंगे जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं वो एक प्रकार की सौर सेल होते हैं इसमें हम अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं अन्य ऑप्शन में हम थर्मल सेल को देखेंगे तो थर्मल सेल क्या है तो देखेंगे थर्मल आ, सेल जो है कि एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल है थर्मल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जिसमें सीधे विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए गर्मी को इसमें नियोजित किया जाता है तो ये हो गया थर्मल सेल जो कि गैल्वेनिक सेल है तथा जो फोटोवोल्टिक सेल है वो सौर सेल है फिर हम सर्व सल्फर सेल को देख लेते हैं तो सल्फर सेल जो है कि एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं जो कि एक उच्च विशिष्ट ऊर्जा के लिए जानी जाती है तो इस प्रकार ये हो गया और इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया नेक्स्ट देख लेते हैं अगला है कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है देखेंगे अगर खीरे को छील के काट दिया जाए और उस पर नमक डाल दिया जाए तो पानी निथर कर जो है कि वो नीचे आ जाता है तथा तो खीरे पे जो है वो पानी निकलने लगता है तो देखेंगे ये किस कारण तो ऑप्शन इसमें देख लेंगे ऑप्शन है सक्रिय परिवहन इसमें हम बी देखेंगे परासरण सी है निष्क्रिय परिवहन और डी है विसरण तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि पराशरण देखेंगे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर हम को देखें तो ये जो है कि जल के कड़ों द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली से देख सकते हैं हम ये बीच में झिल्ली बना दी गई ये जल के ये देखेंगे यहाँ पे सांद्रता जो है कि वो अधिक है यहाँ पे सांद्रता कम है तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जल के कड़ों द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है यह हम देख सकते हैं और इसमें देखें कि यह क्रिया अगर हम देखें तो अधिकांश पौधों की जड़ों में देखी जा सकती है अब देखेंगे कि कटे हुए खीरे में नमक डालने से इसकी अतिरिक्त नमी खत्म हो जाती है जिस कारण जो है कि खीरे से पानी निकलता है अन्य ऑप्शन को भी हम इसमें देख ले रहे हैं देखेंगे अन्य ऑप्शन में तो इसमें हम देख लेंगे विसरण को तो अगर विसरण को देखें, तो किसी पदार्थ के कड़ो की गति के कारण दूसरे पदार्थ के साथ फैलना तो इसको जो है कि विसरण कहते हैं उसका मिश्रण जो कहलाता है वो विसरण कहलाता है और यह गैसों में सबसे तेज तथा ठोस में सबसे धीमे होता है ये गैस में ये सबसे तेज तथा ठोस में सबसे धीमे होता है अन्य हम देख ले सक्रिय परिवहन को तो सक्रिय परिवहन जो है वो कोशिकीय ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से एक कोशिकीय झिल्ली में अड़ुओं को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है तो ये हो गया हो जाएगा सक्रिय परिवहन तथा तो हम देख लेंगे परिवहन तो परिवहन जो है वो एक प्रकार का हम देखें तो ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोशिका झिल्ली में जो है कि पदार्थों को स्थानांतरित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो इस प्रकार ये अन्य ऑप्शन हो गए और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है छारोत कैफीन किसमें मौजूद होता है और इसमें हम ऑप्शन देख ले रहे हैं ऑप्शन ए है केवल चाय बी है केवल कॉफी सी है नींबू जल और ऑप्शन डी है चाय और कॉफी दोनों प्रश्न है कि छारोद कैफिन किसमें होता है चाय में होता है खाली कॉफी में होता है केवल नींबू जल यानी कि नींबू पानी या फिर चाय और कॉफी दोनों में तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी ये चाय और कॉफी दोनों में होता है देखेंगे चाय और कॉफी में छारो कैफीन मौजूद होता है तथा तो कैफीन जो है वो एक साइको एक्टिव पदार्थ है अगर हम कैफीन को देखें तो ये एक प्रकार का साइको एक्टिव पदार्थ है तथा तो अन्य पदार्थों के विपरीत देखें तो यह दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में कानूनी और अनुशासित है उसी प्रकार हम देखेंगे देखेंगे तो कैफीन द्वारा की जाने वाली सबसे आम क्रिया जो है वो उनीदापन यानी नींद ना आने के लिए इसकी शुरुआत की रोकथाम है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैफीन द्वारा सबसे आम क्रिया जो है वो उनीदापन है यानी नींद ना आए जैसे जब बहुत थकान हो जाती है या बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है तो इंसान चाय और कॉफी ले लेता है ताकि नींद ना आए तो इसका अधिकतर प्रयोग इसी में किया जाता है अगर हम देखें तो कॉफी के बीच कैफीन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं तथा तो कैफीन युक्त पेय जैसे कि हम देख सकते हैं चाय कॉफी कोला चाय कॉफी कोला है जिनका सेवन अभी पूरी दुनिया में बहुत अधिक मात्रा में लोग कर रहे हैं तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैफीन कैफिन में मौजूद होता है तो यह चाय और कॉफी दोनों में मौजूद होता है Next question देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें हम ए देखेंगे ए है सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल है बी है हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट है सी है दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल के कारण होता है और डी है अमासे रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो देख लेंगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी दूध का खट्टा होना यह नाइट्रिक अम्ल के कारण नहीं होता है देखेंगे खट्टा दूध और दही का खट्टा गंध जो है ये जो स्वाद है वो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है न कि नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ये लैक्टिक एसिड या फिर लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है तो इस प्रकार ये हम देख लेंगे तो ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है अगर हम अन्य ऑप्शन को देखेंगे तो अन्य ऑप्शन में हम देख लेते हैं इसमें हम देखेंगे दूसरा कि हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट है तो ये बिल्कुल सही है देखेंगे शरीर में कैल्शियम का करीब निन्यानबे परसेंट हड्डियों और दांतों में संग्रहित है और यह खनिज है जो उन्हें कठोर और मजबूत बनाता है तो अतः यह विकल्प दो जो है ये सही सुमेलित है शेष हम देख सकते हैं सिरके में मौजूद अम्ल तो ये एसिटिक अम्ल होता है अतः विकल्प एक भी सही सुमेलित है अगर हम एसिटिक अम्ल को देखें तो इसको जो है कि एथनोइक अम्ल भी कहा जाता है इसको हम भी कहते हैं और अगर इसका हम रासायनिक सूत्र देख एसिटिक अम्ल का अगर रासायनिक सूत्र देखें तो ये सी एच थ्री सीओ एच इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है वहीं हम देख सकते हैं कि अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो ये भी बिल्कुल आ, सही है इसको हम देखेंगे तो जठर रस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एच सी एल लाइपेज और पेप्सिन का एक संयोजन है अमासे रस यानी कि जठर रस तो इस प्रकार ये सही है इसमें एच सी एल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए देखेंगे एक तरफ सूची एक है दूसरी तरफ सूची दो दी गई है और इनका सही मिलान करना है इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम कैवलर को देखेंगे तो कैवलर जो है ये एक उष्मा प्रतिरोधी कृत्रिम हल्के रेशे हैं जो कि उच्च तन्यता प्रदान करते हैं तो ये कृत्रिम रेशे हैं यानी कि सिंथेटिक फाइबर तो ए का हो जाएगा दो उसी प्रकार हम दूसरा हम देख लें टेक्जॉल तो टेक्जॉल जो है वो जो है कि एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं दवाइयां होती हैं तो बी का हो जाएगा तीन उसी प्रकार हम सी देख लेंगे जिंक फास्फाइट तो ये क्या हो जाएगा अगर जिंक फास्फाइट को हम देखें तो ये गहरे धूमिल या फिर धूसर रंग के जो है क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं और ये छोटे स्तनधारियों में जैसे चूहा खेत के चूहे जो होते हैं जो घरों में पाए जाने वाले चूहे होते हैं जो गिलहरियां होती हैं उनको उनको मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो एक प्रकार से हम देखें तो ये जो जिंक फास्फाइड है ये रोडेंटिसाइड होते हैं रोडेंटिसाइड किसे कहते हैं ये कीटनाशक है कीटनाशक है जो कृंतकों को मारता है कृंतक यानी कृंतक का क्या अर्थ हो जाएगा कृंतक का अर्थ हो जाएगा जैसे कि कृंतक की श्रेणी में जैसे कि चूहे इसके बाद हम देख सकते हैं खेत में जो चूहे पाए जाते हैं बड़े चूहे घर में पाए जाने वाले चूहे इसके अलावा हम इसमें हम देख सकते हैं गिलहरी ये सभी कृंतक की श्रेणी में आते हैं तो इसमें जो है वो एक रोडेंटिसाइड है यानी की कि एक कीटनाशक है तो सी का हम इसमें देख लेंगे सी का क्या हो जाएगा सी का चार हो जाएगा और उसी प्रकार हम देख लेंगे नाइट्रोसेलूलोस। तो नाइट्रोसेलुलस को देखेंगे तो ये एक हल्का विस्फोटक है जिसका प्रयोग प्राय हम देख सकते हैं रॉकेट में किया जाता है फिर जो आ, प्रिंट जिससे करते हैं उसकी जो इंक होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है उसी वैसे ही हम देखेंगे लेदर की जो फिनिशिंग की जाती है उसका प्रयोग किया जाता है तो बेसिकली ये देखें नाइट्रोसे एक प्रकार का विस्फोटक हो जाएगा तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ए का दो बी का तीन सी का चार तो ए इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो बी अगर हम देखें तो ए का दो बी का तीन सी का चार और डी का एक तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर इमली और केले इन तीनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यहां देख सकते हैं विकल्पों में तो ए है सिरका अम्ल बी है साइट्रिक एसिड सी है लैक्टिक एसिड और डी है टार्ट्रिक एसिड और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी किसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी टार्टरिक एसिड इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर इमली और केले में प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो टार्ट्रिक एसिड है टार्ट्रिक एसिड को देखेंगे तो ये जो है अंगूर के केले जैसे कई फलों में एक प्रचुर घटक है और इसका स्वाद अगर हम देखें तो ये जो है कि थोड़ा कसैला तथा तो जो खट्टा थोड़ा खट्टा स्वाद जो है कसैला कसैलापन लिए हुए थोड़ा खट्टा स्वाद इसमें आता है और इसमें हम देख सकते हैं टार्टरिक एसिड कई फलों जैसे अंगूर केला इमली साइट्रस में स्वाभाविक रूप से साइट्रस होता है तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ हम इसको देख सकते हैं ये जो लिस्ट है इसमें जो है कि पदार्थ एक तरफ दिए हुए हैं और एक तरफ जो है कि इसमें उपस्थित अम्ल लिए हुए हैं तो अन्य इसमें ऑप्शन को भी इसी में से हम देख लेंगे इसमें है सिरका अम्ल तो इसमें हम देख लेंगे सिरका तो देखेंगे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये एसिटिक अम्ल है और उसी प्रकार हम देख लेंगे साइट्रिक एसिड तो किसमें संतरा व नींबू के रस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और तीसरा हम लैक्टिक एसिड देख लेंगे तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही में पाया जाता है तो इस प्रकार ये पदार्थ तथा उनमें उन उपस्थित अम्लों की ये लिस्ट है अब इसमें हम देख लेंगे अगला प्रश्न तो अगला प्रश्न इसमें हम देखेंगे प्रश्न है कि प्रयोगशाला में उनके पहले संश्लेषण के कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें देखेंगे इसमें जो है कि पदार्थ जो दिए हुए हैं इनको पहले संश्लेषण यानी कि जिनका जिनकी सिंथेसिस जो है कि पहले हुई है उसको जो है कि कालानुक्रम में उसको व्यवस्थित करना है और इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन तो इसमें सिंथेसिस के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले हो जाएगा कैवलर सबसे पहले इसमें हो जाएगा कैवलर, उसके बाद हम देख लेंगे फुल रीन को फिर इसमें तीसरे स्थान पर आ, हम देख लेंगे तीसरे स्थान पर जो हो जाएगा ग्राफीन और पहले स्थान पर ये काला सोना हो जाएगा तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यानी कि चार दो तीन और एक और इसमें कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें जो काला सोना दिया हुआ है तो काला सोना को देखेंगे तो ये एक शब्द है जो कि तेल या पेट्रोलियम पर लागू होता है जो कि जब जमीन से ये बाहर आता है काला सोना इसे कहते हैं जो तेल और पेट्रोलियम के लिए ये शब्द कहा जाता है जब वो जमीन से बाहर आता है तो आने पर जो है वो काला होता है तथा इसकी कीमत बहुत ही अधिक होती है इसी कारण जो है कि इसे काला सोना कहा जाता है और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है कि इथेनॉल के व्यवसायिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन है तो ऑप्शन इसमें ए है कैंडिडा एल्बिकन्स बी है सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया सी है कैंडिडा शूफी और डी है ल्यूकोस्पोरिडियम फ्रिगिडम तो इसमें हम देख लेंगे इथेनॉल के व्यवसायिक उत्पादन के लिए किस खमीर या फिर ईस्ट किस ईस्ट या फिर खमीर का प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी इथेनॉल के व्यवसायिक उत्पादन में सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया खमीर का प्रयोग किया जाता है इसमें हम देखेंगे क्योंकि इसका कारण हम देख लेंगे क्योंकि पीएच की एक विस्तृत श्रृंखला को ये सहन नहीं कर सकता है और जिससे जो है कि प्रक्रिया के दौरान संक्र, संक्रमण को कम भी किया जा सकता है अगर हम इसको देखें इथेनॉल को तो ये एक प्रकार का एल्कोहल है इथेनॉल को हम देख लेंगे तो ये एक प्रकार का एल्कोहल है इसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है देखेंगे इथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं किस खमीर का प्रयोग किया जाता है इथेनॉल के व्यवसायिक उत्पादन में तो सेक्रोमाइसिस से का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला है अगला जो प्रश्न है ये कथन कारण पर आधारित है और इसमें प्रश्न कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं एक को अभी कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है और सबसे पहले हम अभी कथन देख लेते हैं तो कह रहा है कि सुक्रोज की तुलना में शर्करा अधिक मीठ शर्करा जो होती है वो अधिक मीठी होती है और इसका कारण बता रहा है क्योंकि शर्करा को सुक्रोज के जलीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है अब इसमें हम देख लेंगे तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें और इसमें ए जो ऑप्शन दिया गया है वो कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है बी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है सी कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है और डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा यानी कि कथन और कारण ये दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण आर है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है देखेंगे शर्करा जो होती है शर्करा शुक्रोज की तुलना में अधिक मीठी होती है और व्यापक रूप में हम इसको देखें तो यह जो है कि बेकरी और पेस्ट्री में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पहला सही हो जाएगा और इसमें कारण कह रहा है कि शर्करा को सुक्रोज के जलीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है तो ये बिल्कुल सही है देखेंगे शर्करा का उपयोग जो है सुक्रोज के जलीय विश्लेषण के लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किया जाता है तो इस प्रकार ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण आर कथन एक सही व्याख्या नहीं है अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है ये भी मिलान आधारित प्रश्न है और इसमें प्रश्न कह रहा है कि सूची एक का सूची दो को के साथ मिलान करिए और दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन दी गई सूचियों से करिए अब इसमें हम देख लेंगे सूची एक में जो है कि धातु दिए हुए हैं तथा सूची दो में उनसे संबंधित गुड़ों को दिया गया है और इसको जो है कि सही मिलान करना है तो इसको हम देख लेंगे पहला है सोडियम तो सोडियम का इसमें सही मिलान क्या हो जाएगा अः सोडियम जो है इसका हो जाएगा चार यानी सोडियम को जो है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो इसका चार हो जाएगा और दूसरा हम देख लेंगे मरकरी यानी कि पारा तो इसमें हम देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा बी का दो हो जाएगा यानी मरकरी जो पारा है ये कमरे के तापमान पर तरल होता है देखेंगे तापमान पर कमरे के तापमान पर जो है कि पारा तरल रूप में होता है और पारा जो है कि एक भारी सिल्वर डी ब्लॉक का घटक है अगर पारा को देखें तो ये एकमात्र धातु है जो तापमान और दबाव के लिए प्रथागत अगर स्थितियों में देखें तो ये तरल होती है तो देख लेंगे मरकरी या पारा जो है ये कमरे के तापमान पे तरल होता है सिल्वर को देख लेंगे तो इसमें जो है इसका क्या हो जाएगा सिल्वर जो है चांदी ये बिजली का सुचालक होता है और लेड यानी शीशा को देख लेंगे तो इसका जो आ, सही मिलान हो जाएगा डी का हो जाएगा तीन यानी कि उष्मा का कुचालक जो लेड या शीशा होता है ये जो है कि उष्मा का कुचालक होता है लेड को देख लेंगे तो धातु बिजली और गर्मी का एक खतरनाक ये हो सकता है और वैकल्पिक धातुओं की तुलना में देखें तो शीशा गर्मी का खराब संवाहक हो सकता है यानी उष्मा का ये कुचालक होता है तो इस प्रकार इसका सही मिलान कौन सा हो जाएगा इसमें हम देख लेंगे ए का चार बी का दो सी का एक ए का चार बी का दो सी का एक और डी का तीन तो इसका ये सही मिलान ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए इसमें हम देखेंगे ये प्रश्न दोबारा मिलान आधारित प्रश्न है और इसमें एक तरफ जो है कि पदार्थ लिखे का नाम दिया गया है पदार्थ लिखे हैं और दूसरी तरफ इनका उपयोग लिखा हुआ है और इसको जो है कि सही मिलान करना है इसमें हम देख लेंगे आ, ब्लू विट्रियोल ये इसका कौन इस ये किससे संबंधित हो जाएगा ब्लू विट्रियोल जो है कि एक कवकनाशी है तो ये कवकनाशी से हो जाएगा उसी प्रकार दूसरा है इोसिन इयोसीन जो है इसका सही मिलान क्या हो जाएगा इसमें हम देखेंगे इसका सही मिलान क्या हो जाएगा इयोसीन जो है वो लाल से है देखेंगे एक लाल जो है कि फ्लोरोसेंट डाई है जो है ये जो इोसीन है जो कि विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन में और टोनर में इसका प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं आ, सौंदर्य प्रशासन प्रसाद की जो चीजें होती हैं उसमें मुख्यतः है, इसका प्रयोग किया जाता है सी इसमें है आ, सिल्वर आयोडाइड तो इसमें सी का हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड यानी कृत्रिम वर्षा और डी है जिंक फास्फाइड तो इसका हो जाएगा क्रिमी नाशक तो सी का हो जाएगा कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड को देखें तो ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका फार्मूला अगर हम देखें तो ये ए जी एल है और इसमें हम देखेंगे को तो ये क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसका उपयोग अक्सर जो है कि मौसम संशोधन जैसे कि हम कह, कह सकते हैं क्लाउड सीडिंग या फिर एंटी हेल सिस्टम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वही हम जिंक फास्फाइड को देखेंगे तो ये एक ये भी एक अकार्बनिक यौगिक है जो जिंक के साथ फास्फोरस को जोड़ता है तो इस प्रकार ये जो है एक प्रकार का कृमिनाशक है तो इस प्रकार इसका सही मिलान जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा इसमें हम देखेंगे ए का दो, का तीन, का बी सी और डी का चार तो इसमें सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है कि धुएं में शक्तिशाली नेत्र उत्तेजक है देखेंगे जब भी कहीं धुआं उठता है या फिर आग आग से धुआं निकलता है तो आंखों में जलन होने लगती है तो देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि वही धुएं में शक्तिशाली जो नेत्र उत्तेजक है वो क्या है और ए देख लेंगे ओजोन बी है सल्फर डाइऑक्साइड सी है आ, कार्बन डाइऑक्साइड और डी है पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट और इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि धुए में शक्तिशाली जो नेत्र उत्तेजक है वो पैराक्सी नाइट्रेट है देखेंगे पेरा, नाइट्रेट जो है कि एक माध्यमिक प्रदूषक है जो प्रकाश रासायनिक धुंध में मौजूद होता है तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है यानी जो नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सही रूप से मेल नहीं खाता है और इसमें हम देख सकते हैं एक तरफ जो है कि इसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई हैं और दूसरी तरफ इसके स्रोत दिए हुए हैं और ये क्या बताना है कि इसमें से कौन सा सही रूप से मेल नहीं है तो पहला हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल सी है नाइट्रस ऑक्साइड धान के खेतों में जल जमाव और डी है सल्फर डाईऑक्साइड या ईट के भट्टों से निकलती है तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन है केवल एक दो तीन इसमें से जो सही कथन है बी है केवल तीन और चार सी है केवल तीन और डी है केवल चार और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी केवल चार यानी केवल चार जो है वो इसमें सही ढंग से मेल नहीं खाता है देख लेंगे ईट के भट्टों में ईट का भट्टा यानी कि जो चिमनिया होती हैं जिसमें ईटे बनाई जाती हैं उसमें जहरीली धुएं का उत्सर्जन होता है उसमें से जहरीला धुआं निकलता है जिसमें जो है सस्पेंड जो कड़ होते हैं वो कार्बन के कड़ों से भरपूर होते हैं न कि सल्फर आई से तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें कार्बन कड़ होते हैं ना कि सल्फर डाइऑक्साइड और इसमें हम देखें तो इसमें कौन कौन से होते हैं इसमें हम देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इसी के साथ साथ हम इसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जो है एट के भट्टू में जो जहरीला धुआं निकलता है उसमें होते हैं ना कि ये इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है और यह जो है आंख और फेफड़े गले इन सब के लिए ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं तो इस प्रकार इसमें जो चौथा हो जाएगा वो सुमेलित नहीं होगा अन्य ऑप्शन को भी हम इसमें देखेंगे अन्य ऑप्शन में हम देख लेंगे तीसरा हम इसमें देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड जो कि जल ये तो जल के आ, जो है कि धान के खेतों में जल जमाव तो देखेंगे जल प्रबंधन को जो है कि धान के खेतों में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को विनियमित करने के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा अन्य हम देख लेते हैं दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो देखेंगे सी में जो है कि क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन के बने रासायनिक यौगिक होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन फ्लोरीन, और इसमें क्या होता है और कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन आ, के बने जो है कि रासायनिक होते हैं और सी एफ सी का सबसे आम स्रोत जो है वो रेफ्रिजरेटर है और इसके साथ हम देखेंगे विमान और एरोसोल के लिए जो है कि जो अग्निशमन प्रणाली भी जो है वायुमंडल में सीएफसी का उत्सर्जन करती है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन या ऑटोमोबाइल तो से ही सुमिलित है और इसमें हम देख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसमें देख लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी सीओ टू ये जो है कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और कुल मिलाकर जो है कि ग्लोबल वार्मिंग में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान इसका होता है ग्लोबल वार्मिंग में ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो वैश्विक तापन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है उससे अधिक योगदान ये करती है उसी के साथ साथ हम देखेंगे तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन का साठ प्रतिशत से अधिक है तो इसका सही मिलान जो है कि थर्मल पावर स्टेशन ये बिल्कुल सही हो जाएगा और इसी प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड को और देख लें तो ये मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन को जलाने इन सब के माध्यम से जो है ये जो CO2 है वो मुक्त होती है और इसका जो प्राकृतिक कारण भी हम इसमें देख लेंगे जैसे कि श्वसन जो हम सांस लेते हैं तथा जो ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है अगर हम वायुमंडल में इसका प्रतिशत देखेंगे तो ये जीरो पॉइंट जीरो थ्री प्रतिशत से जीरो पॉइंट जीरो फोर प्रतिशत तक जो है कि वायुमंडल में पाई जाती है अब इसमें हम देख लेंगे तो इसमें कौन सा सही रूप से मेल इसमें नहीं खाता है तो इसमें ऑप्शन चार ये जो है कि सही था और इसमें जो विकल्प सही था ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया नेक्स्ट है अगला है कि बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन ऑप्शन है ब्यूटेन ऑप्शन बी है प्रोपेन ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है एथेन और इसमें हम देख लेंगे कि बायोगैस संयंत्र जो है उससे निकलने वाली ये जो गैसें दी हुई हैं इसमें से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन तो तो नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि मीथेन देखेंगे बायोगैस संयंत्र में मीथेन गैस निकलती है जिसका उपयोग जो है खाना पकाने और गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है अगर हम देखें बायोगैस तो बायोगैस का क्या अर्थ है तो बायोगैस का अर्थ है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के टूटने के बाद जो उत्पन्न होने वाली गैसों का मिश्रण है वही बायोगैस कहलाता है तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है अगला है कि क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश लगाया जाता है अब इसमें देखेंगे साबुन के बुलबुले पर जब आवेश लगाया जाए तो क्या होता है तो ये ए है इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है बी है इसकी त्रिज्या घट जाती है और सी है बुलबुला ढह जाता है और डी है इनमें से कोई भी नहीं तो देखेंगे ये जो है कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश लगाते हैं तो क्या होता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं आ, नेक्स्ट है कि पायरेलियोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है डैश है यहाँ तो मापने के लिए किया जाता है और इसमें हम देख लेंगे ए सौर कलंक बी है सौर विकरण सी है हवा का तापमान और डी है पौधों का तापमान तो देख लेंगे पाइरेलियोमीटर इसका प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा यानी कि इसका प्रयोग जो हो है वो सौर विकरण को मापने के लिए किया जाता है देखेंगे एक ऐसा उपकरण है जो सीधे सूर्य से आने वाले सौर को मापता है। अगर के देखें तो ये वाट प्रति वर्ग मीटर है देख सकते हैं वाट प्रति वर्ग मीटर इसकी ऐसाई इकाई हो जाएगी विकरण की और परंपरागत रूप से देखें तो पायरेलियो का उपयोग जो है मुख्य रूप से जलवायु अनुसंधान और आ, मौसम निगरानी उद्देश्यों के लिए किया जाता था तो इस प्रकार इसमें आ, देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है कि एक गिलास पानी पीने से इसमें हम देख लेंगे इसमें अन्य ऑप्शन को भी यहाँ हम देख लेंगे हम अन्य ऑप्शन को भी देखेंगे अन्य ऑप्शन में हम इसमें देख लेंगे क्या है हवा का तापमान तो हवा का तापमान जो मापा जाता है वो थर्मामीटर से उसी प्रकार हम देख सकते हैं वायुमंडलीय दाब तो वायुमंडलीय बैरोमीटर का उप जो उपकरण है उसका उपयोग जो है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है देख लेंगे यहां वायुमंडलीय दाब वायुमंडली माप दामने के लिए किस किसका प्रयोग किया जाता है ये बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार देखेंगे हवा का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का और पायरोमीटर देखेंगे तो एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है और उसका उपयोग जो है कि दूर की वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है पायरो मीटिर मीटर इसका उपयोग जो है कि दूर की वस्तुओं का तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का तथा पायरेलियो का प्रयोग जो किया जाता है वो सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है अब हम अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तो इसमें देख लेंगे ये भी प्रश्न जो है कि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन ए है शून्य ऑप्शन बी है पंद्रह ऑप्शन सी है पच्चीस और ऑप्शन डी है दस तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी शून्य कैलोरी ऊर्जा एक गिलास पानी पीने से प्राप्त होती है देखेंगे एक कैलोरी ऊर्जा एक कैलोरी जो है वो ऊर्जा या फिर उष्मा की इकाई है विभिन्न रूप से हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कैलोरी को मूल रूप से जो है एक मानक वातावरण दाब में एक ग्राम जल के तापमान को एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो है जो आवश्यक गर्मी है उसको हम एक कैलोरी ऊर्जा या फिर एक कैलोरी ऊष्मा इसको मान लेते हैं और एक गिलास जल पीने से देखेंगे तो जीरो जीरो कैलोरी ऊर्जा जो है कि प्राप्त होती है अब हम देख लेंगे कि एक पुरुष को वयस्क पुरुष इसको हम देख लेंगे कि कितने कैलोरी मतलब प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है तो पुरुषों में जो है ये जो आवश्यकता है ये 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता है तथा तो हम वही महिलाओं को देख लेंगे महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए तो ये हो जाएगा 1800 से 2200 लगभग कैलोरी ऊर्जा महिलाओं को लेनी चाहिए तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है कि नैनो प्लग का क्या अर्थ है और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन ऑप्शन ए है एक छोटी सी गोली यानी कि बुलेट और बी है एक छोटा सा श्रवण यंत्र यानी एक छोटा सा सुनने वाला सुनने की जो मशीन है वो सी है एक छोटा सा रॉकेट लॉन्चर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं तो देख लेंगे इसमें कि नैनो प्लग का क्या अर्थ होता है इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि नैनो प्लग एक छोटा सा श्रवण यंत्र है देखेंगे नैनो प्लग जो है वो कान की मशीन विश्व का जो है कि सबसे छोटा श्रवण यंत्र था जिसे एक अंतरराष्ट्रीय शोध दल द्वारा डिजाइन किया गया था और इसमें हम देखेंगे कि इस नैनो प्लग श्रवण यंत्र जो है जो सुनने वाला ये सुनने वाली ये जो मशीन है उसके डिजाइन को इंडी गोगो द्वारा फंडिंग की गई थी इसको इंडी गोगो इंडिगोगो क्या है एक मंच है इसके द्वारा जो है इसकी फंडिंग की गई थी तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस नैनो प्लक्स श्रवण यंत्र के डिजाइन को जो है कि इंडिगोगो द्वारा वित्त पोषण किया गया था या फिर इसको फंडिंग की गई थी जो कि एक क्राउड फंडिंग मंच है ये इंडिगोगो जो है क्राउड फंडिंग मंच है और नैनो प्लक्स श्रवण यंत्र का विकास नैनो तकनीक के द्वारा संभव हुआ है तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्लग का क्या अर्थ है तो बी हो जाएगा कि एक छोटा श्रवण यंत्र नेक्स्ट है कि पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ऑप्शन ए है गति ऊर्जा <coughs> सॉरी ऑप्शन बी है स्थिति ऊर्जा सी है सौर ऊर्जा और डी है विकिरण ऊर्जा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है तो ऊर्जा का जो गति ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में इसमें परिवर्तित हो जाती है आ, देख लेंगे कि इसको तो पवन ऊर्जा का उपयोग जो है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसे ही जो है पवन ऊर्जा कहा जाता है पवन का उपयोग जो किया जाता है वो पवन टर्बाइनों को चलाने के लिए किया जाता है इनी पवनों के द्वारा जो है कि टरबाइनें चलती हैं और जो पवन में मौजूद गति है कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसी प्रकार हम देखेंगे तो पवन में उपयुक्त ऊर्जा वाले जो स्थल हैं जो स्थान है उनको चुना जाता है तथा वहां जो विंड टर्बाइन लगी होती है उनको वहां रखा जाता है और इस क्षेत्र को फार्म कहा जाता है तो पवन ऊर्जा में जो है कि कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो ऑप्शन ए गति ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में इसमें से किसका उपयोग किया जाता है फायर अलार्म जो कि आग लगने पे जो अलार्म बजता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन है ए प्रकाशशील बी है पानी सी है सौरशिल और डी है इनमें से कोई भी नहीं तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी फायर अलार्म में प्रकाश सेल का प्रयोग किया जाता है देखेंगे प्रकाश सेल का उपयोग फायर अलार्म में जो है कि धुएं का पता लगाने के लिए किया जाता है इसमें धुएं का पता लगाने के लिए जो है कि प्रकाश सेल का उपयोग फायर अलार्म में किया जाता है तथा एक फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर प्रकाश की मदद से आग का पता लगाता है तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है अगला है प्रश्न है अगला कि उपग्रह संकेतों को प्राप्त करने के लिए डिस एंटीना का उपयोग करने वाले टेलीविजन दर्शकों को सिग्नलों की प्राप्ति नहीं होती है हम देखेंगे पहले जो टीवी के लिए जो एंटीना लगाए जाते थे उसमें परमानेंट जो है कि सिग्नल की प्राप्ति नहीं होती थी क्योंकि ये छोटे आकार के एंटीना आ, के कारण आ, दूसरा है क्योंकि बारिश की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और तीसरा इसमें दिया हुआ है कि बारिश की बूंदे रेडियो तरंगों जो रेडियो एक्टिव जो वेब्स होती हैं उनकी ऊर्जा को उनकी मूल दिशा से फैला देती हैं तो इसमें हम देख लेंगे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है और ऑप्शन देखेंगे केवल एक बी है केवल एक और दो सी है दो और तीन और डी है एक दो और तीन और इसमें हम देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि इसमें से तीनों जो है ये कारण वो सही दिए हुए हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे एंटीना का छोटा आकार बारिश की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है ये भी एक कारण है और बारिश की बूंदे अपनी मूल दिशा से जो रेडियो त, रेडियो की जो तरंगे हैं उनकी ऊर्जा को वो बिखेर देती हैं, फैला देती हैं मूल दिशा से तो इस प्रकार ये जो तीनों कारण हो जाएंगे सिग्नल देखेंगे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट यानी डीबीएस एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग जो है कि उपग्रह टीवी प्रसारण को घर तक पहुंचाने के लिए जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है अगर हम संचार उपग्रह देखें तो पृथ्वी के सतह से ये काफी दूर है और यह देखेंगे तो यह वायुमंडल के आयन मंडल या फिर थर्मोस्फीयर में इसे लगाया जाता है तो ये उपग्रह कहाँ लगाए जाते हैं जो संचार उपग्रह लगाए जाते हैं वो वायुमंडल के आयन मंडल आयन मंडल या फिर हम इसको कह सकते हैं आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर में संचार उपग्रह लगाए जाते हैं तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है देखेंगे यहाँ जो है सॉरी यहाँ विद्युत विभव से संबंधित कथन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सही है पहला कथन कह रहा है कि जो विद्युत विभव है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें हम देख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो विद्युत विभव है वो एक अधिश राशि है दूसरा कह रहा है ये एक सदिश राशि है प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे ए है केवल एक बी है केवल दो सी है एक और दो दोनों दो, और डी है ना तो एक और ना ही दो तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि केवल एक यानी हम देखें विद्युत विभव को तो ये एक अधिश राशि है और विद्युत विभव का एसआई मात्रक अगर हम देखेंगे तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है अब हम यहाँ देख सकते देख लेते हैं कि सदिश राशि और अधिश राशि क्या है तो हम सबसे पहले अधिश राशि को देखेंगे कि एक राशि जिसमें तो परिमाण होता है परिमाण होता है लेकिन कोई विशेष दिशा नहीं होती परिमाण तो होता है लेकिन कोई विशेष दिशा नहीं होती उसे अधिश राशि कहते हैं देख लेंगे उसे अधिश राशि कहते हैं अब कुछ हम इसके उदाहरण भी यहाँ देख लेते हैं इसमें हम देख सकते हैं अधिश राशि कुछ जैसे कि द्रव्यमान इसमें हम और देख लेंगे दूरी समय ताप आयतन ये सभी दूरी समय ताप आयतन हम इसमें कह सकते घनत्व कार्य शक्ति ऊर्जा ये सभी जितने भी हैं द्रव्यमान दूरी समय ताप आयतन घनत्व कार्य शक्ति ऊर्जा ये सभी अधिश राशि के उदाहरण हैं उसी प्रकार हम सदिश और इसमें जो है कि परिमाण होता है लेकिन कोई विशेष दिशा नहीं होती है तो ये हो गया अधिश राशि अब हम सदिश राशि को देख लेते हैं तो सदिश राशि जिसमें परिमाण होता है परिमाण होता है और एक विशेष दिशा में यह कार्य होता है यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और इसको जो है कि सदिश राशि कहते हैं अगर इसके हम एग्जाम्पल्स को देखें तो इसमें हम देख सकते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो क्या हो जाएगा वेग संवेग uh, और इसमें हो जाएगा विस्थापन आदि जो है ये सदिश राशि के उदाहरण हो जाएंगे तो विद्युत विभव के बारे में पूछा है तो विद्युत विभव जो है कि एक अधिश राशि है और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार का कांच परा किरणों को काट सकता है और इसमें हम देख लेंगे ए सोडा ग्लास बी है पायरेक्स ग्लास सी है जेना ग्लास और डी है ग्लासेस तो देख लेंगे कि कौन सा कांच को इसमें काट सकता है और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी क्रूक्स ग्लास जो है जो कि एक जो कि परा बैग्नी को काट सकता है कुक क्रुक्स ग्लास को देखें तो एक तरह का ये ग्लास होता है जिसे मुख्य रूप से जो है कि सेरियम ऑक्साइड और सिल्का से बनाया जाता है अगर हम इसमें देखें ऑक्साइड सेरियम ऑक्साइड सेरियम इसमें होता है और ये जो है, जो सेरियम है है ऑक्साइड वो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो यूवी किरणें हैं उनको तेजी से अवशोषित कर लेता है इसीलिए इस ग्लास का प्रयोग जो है कि सन ग्लासेस बनाने में यानी जो धूप के चश्मे होते हैं उनको बनाने में जो है कि इस ग्लास का प्रयोग होता है क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट वायलेट जो किरण है सूर्य की हानिकारक जो किरणे हैं उनको ये तेजी से अवशोषित कर लेता है और पराबैगनी प्रकाश जो है यानी यूवी लाइट जो है वो प्रक, आ, प्रकाश का एक प्रकार आ, जो है कि वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हम अन्य ऑप्शन को भी देखेंगे अन्य ऑप्शन में हम इसमें देख लेते हैं इसमें हम सबसे पहले सोडा ग्लास को देखेंगे तो सोडा ग्लास जो है लगभग सत्तर प्रतिशत इसमें सिलिका होता है यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड पंद्रह प्रतिशत हम इसमें देख लेंगे तो पंद्रह प्रतिशत इसमें सोडा यानी कि सोडियम डाइऑक्साइड और नौ प्रतिशत जो है इसमें चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड से ये बना है तो सत्तर प्रतिशत सिलिका यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड पंद्रह सोडा यानी कि जो सोडियम डाइ ऑक्साइड है और नौ प्रतिशत चूना यानि से ये बना है जिसमें और इसमें बहुत ही कम मात्रा में जो है कि अन्य यौगिक भी बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं अब हम देख लेते हैं पायरेक्स ग्लास को तो पायरेक्स ग्लास क्या है तो ये जो है कि एक बोरोसिलिकेट ग्लास है जिसे पहली बार जो है Uh, कार्निंग ग्लास वर्क्स कंपनी द्वारा इसको इसका इसको जो है कि निर्मित किया गया था जेना ग्लास को देख लेते हैं तो जेना ग्लास क्या है ये एक अच्छी गुणवत्ता वाला ग्लास है तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि कांच प्रकार का कांच जो है कि परा किरणों को काट सकता है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है कि अंडे की जर्दी में दिए गए विटामिनों में से नब्बे प्रतिशत से अधिक होता है जो अंडे के अंदर जो जर्दी होती है उसमें जो नीचे विटामिन दिए गए हैं उसमें नब्बे प्रतिशत क्या होता है कौन सा विटामिन पाया जाता है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए है विटामिन सी ऑप्शन डी बी है विटामिन बी ट्वेल्व ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन ए और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि विटामिन बी ट्वेल्व जो अंडे की जर्दी होती है उसमें जो है कि नब्बे विटामिन बी ट्वेल्व पाया जाता है देखेंगे विटामिन बी ट्वेल्व जो है कि एक पोषक तत्व है जो शरीर की तंत्रिका और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है तथा सभी कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक सामग्री बनाने में भी ये मदद करता है तो इस प्रकार देखें मुख्य रूप से ये किसमें पाया जाता है मुख्य रूप से हम देखेंगे पशु उत्पाद विशेष रूप से विशेष रूप से हम इसको देख लेंगे पशु उत्पाद में पशु उत्पाद यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है मांस इनमें जो है कि अधिक पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट मांस में जो है कि ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है और हम अगर विटामिन को देख लेंगे विटामिन दो प्रकार के वसा में घुलनशील जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील क्या हो जाएगा ए डी ई के जो ये विटामिन है विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई e, विटामिन की ये वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील जो विटामिन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील हो जाएंगे तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि जो विटामिन बी ट्वेल्व है किसमें घुलनशील है तो ये जल में घुलनशील विटामिन है तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा है. अगला है एच फाइव एन वन वायरस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग यानी टीबी दूसरा है स्वाइन फ्लू तीसरा इसमें सी है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू और डी है चिकन पॉक्स यानी छोटी माता तो इसमें हम देख लेंगे एच फाइव एन वन वायरस किससे संबंधित है और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो H5N1, यह जो वायरस है एच फाइव एन वन ये एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू से संबंधित है देखेंगे बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है एक वायरल संक्रमण है यानी कि वायरस से होता है और जो कि ये केवल ये ना केवल पक्षियों को बल्कि मनुष्यों तथा अन्य जानवरों को भी ये संक्रमित कर सकता है जो बर्ड फ्लू है वो खाली पक्षियों को ही नहीं आदमी मनुष्यों को भी ये संक्रमित कर सकता है और वायरस का अधिकांश रूप जो है कि अभी पक्षियों तक ही सीमित है अगर एच फाइव एन वन की बात करें तो ये बर्ड फ्लू का अभी सबसे सामान्य सबसे आम रूप है और इसमें हम देख सकते हैं कि यह पक्षियों के लिए घातक है तथा तो पक्षियों के संपर्क में आने वाले मनुष्यों तथा तो अन्य जानवरों को यह आसानी से प्रभावित कर सकता है तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसका सी सही हो जाएगा उसी प्रकार हम अन्य ऑप्शन को भी इसमें देखेंगे अन्य ऑप्शन में पहले ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी रोग छैरो एक संक्रमण संक्रामक बीमारी है जो आमतौर से फेफड़ों पर हमला करती है ये फेफड़े यानी लंग से संबंधित बीमारी है और यह जो है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरक्लोसिस नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया से होती है तो ये इस इसमें इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस माइको बैक्टीरियम इसके लिए जो बैक्टीरिया है टीबी के लिए वो आ, इसका कारण बनता है उसके बाद हम स्वाइन फ्लू को देख लेते हैं तो स्वाइन फ्लू जो है इसे एच वन एन वन वायरस के रूप में भी जाना जाता है देखेंगे ये तो ये बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है वही हम स्वाइन फ्लू देखेंगे तो ये फिर वायरस के द्वारा हो रहा है और इसमें कौन सा वायरस है एच वन एन वन वायरस जो है इसको एच वन वायरस के रूप में भी जाना जाता है और एक इन्फ्लुएंजा वायरस का अपेक्षाकृत नया प्रकार है जो कि नियमित फ्लू के समान लक्षणों के कारण बनता है तो इस प्रकार ये स्वाइन फ्लू हो गया और उसके बाद हम चिकन पॉक्स को देख लेते हैं छोटी माता तो चिकन पॉक्स एक संक्रामक रोग है जो कि वैरिकाला जोस्टर वायरस से के कारण होता है इसको हम देख लेंगे इसके लिए जिम्मेदार वायरस कौन है वैरिकाला जोस्टर या वी जेड वी जो वायरस है वो छोटी माता के लिए जिम्मेदार है तो इस प्रकार हम देख लेंगे टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया से स्वाइन फ्लू वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू ये भी वायरस से और इसमें डी हो जाएगा चिकन पॉक्स ये छोटी मात्रा ये वी जेड वी वायरस के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा त्वचा तो अच्छा की लालिमा को कम करता है और इसमें हम देख सकते हैं ए है कैमोमाइल uh, बी uh, है जोजोबा सी uh, है एलोवेरा और डी है कैलेंडुला और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी त्वचा तो अच्छा की लालिकमा को कम करता है वो कैलेंडुला है कैलेंडुला देखेंगे एक प्रकार का फूल है ये जो है कि एस्टे जो है कि एस्टेरेसिया में ये एक डेजी जो डेजी फूल होता है डेजी परिवार का डेजी परिवार का डेजी फैमिली का ये पुष्प है यानी फूल है तो इस प्रकार हम देख लेंगे तो की लालिमा को कम करता है तो कम करने का कारण कैलेंडुला ही करता है नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कौन सा एंजाइम पूछ रहा है कौन सा विटामिन नहीं पूछ रहा है प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है और ए है प, बी है एमिलेज सी है थ्रोम्बोकिनेस और डी है लाइपेज और इसमें हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा तो इसमें सही ऑप्शन देखेंगे कि रक्त के थक्का बनने के लिए कौन सा वो है तो आवश्यक है तो इसमें ऑप्शन सी थ्रोम्बोकिनेस ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा देखेंगे रक्त के थक्के प्लेटलेट्स द्वारा उत्पादित एंजाइम थ्रोम्बोकिनेस द्वारा शुरू की गई एक इसी के द्वारा शुरू की गई एक सीरीज है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं थ्रोम्बोकिनेज एंजाइम जो है वो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है अन्य ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे एमिलेज को देख लेंगे तो एमिलेज जो है ये अग्न्याशय और लार ग्रंथियों द्वारा श्रावित एक पाचक एंजाइम है देखेंगे पाचक पाचक एंजाइम है अगन तथा तो लार ग्रंथियों द्वारा श्रावित ये एक ऑप्शन में, में और देख लेंगे तो को देख लेते हैं तो ये भी एक एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है और अगला हम लाइपेज को देख लेंगे तो ये भी एक एंजाइम है जो वसा के टूटने और इसके और इसके पाचन में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर हम देखें तो रक्त के थक्के बनने में कौन सा एंजाइम है आवश्यक तो ये ये जो है थ्रोम्बोकिनेज किनेज है तथा तो विटामिन इसमें कौन सा है विटामिन के जो है वो आमतौर पर रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है तो अगर रक्त के थक्के जमाने में अगर एंजाइम पूछेगा तो थ्रोम्बोकिनेज किनेज हो जाएगा और विटामिन पूछेगा तो विटामिन के हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए और इसमें देखेंगे अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है इसमें अभिकथन ए देख लेते हैं ए है कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार चेचक से संक्रमित नहीं हो सकता और इसका कारण दिया गया है आर क्योंकि रोग के दूसरे जोखिम के बाद प्रतिरक्षा तन की प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज है तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल आर सत्य है बी है ए सत्य है सी है ए और आर दोनों सत्य है आर ए की सही व्याख्या करता है और डी है और ए और आर दोनों सत्य है तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी इसमें केवल जो कारण आर है वही सत्य है देखेंगे कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार चेचक से संक्रमित नहीं हो सकता है ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा कारण इसका कह रहा है कि रोग के दूसरे जोखिम के बाद प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया पहले की तुलना में तेज है तो देखेंगे जब भी किसी को चेचक होता है पहली बार की तुलना में अगर वो दूसरी बार हो गया तो इसमें जो है कि इम्यून सिस्टम जो है कि पहले की तुलना में और भी अधिक मजबूत हो जाता है तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी केवल आर जो है इसमें सत्य है नेक्स्ट है कि जब एक पदार्थ ऊष्मा अवशोषित करके इसकी अवस्था को ठोस से तरल में परिवर्तित करता है तो इसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका तापमान और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन ए है बढ़ता है ऑप्शन बी है कम होता है ऑप्शन सी है समान रहता है और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि समान रहता है यानी जब एक कोई पदार्थ है वो उष्मा और शोषित करता है और इसकी अवस्था को ठोस से तरल में परिवर्तित कर देता है तो इसका तापमान जो रहता है वो समान रहता है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है देख लेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का प्रश्न कह रहा है कि स्ट्रीट लाइटिंग के संदर्भ में जो रोड पे लाइट लगी होती है उसमें उसके संदर्भ में पारदवाश लैम्प लैंप, लैंप यानी कि मरकरी वेपर जो लैम्प होते हैं वो और एलईडी लैम्प से किस प्रकार भिन्न है यानी जो स्ट्रीट लाइट जो लगी होती है सड़कों पे, वो पार उसमें पारद लैंप लैम्प जो मरकरी वेपर लैंप होते हैं वो एलईडी लैम्प से किस प्रकार अलग है और इसमें पहला कह रहा है कि पादप वाश प्लैंस एलईडी लैम्प के उपयोग में की जाने वाली ऊर्जा के एक अंश का उपयोग करते हैं और दूसरा है एलईडी में पारद आर्क लैंप की तुलना में कम चमक होती है तो इसमें हम देख लेंगे आ, नीचे दी गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए और ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए है केवल एक बी है केवल दो सी है एक और दोनों दो दो, और डी है ना तो एक और ना ही दो और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी इसमें से केवल दो जो है यानी दूसरा कथन केवल वही सही है अब हम यहाँ पे पारद वाष्प लैंप को देख लेते हैं देखेंगे जो मरकरी वेपर लैंप होते हैं वो लंबे समय तक चलने वाले प्रकाश के स्रोत होते हैं और इनका उपयोग प्राय बड़े क्षेत्रों में किया जाता है ऊर्जा के एक अंश के रूप में इसका उपयोग करते हैं ये गलत हो जाएगा कथन इसका प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में किया जा सकता है जैसे कि हम देख सकते हैं सड़क जैसे हम स्टेडियम देख सकते हैं जिम हम देख सकते हैं स्टेडियम आदि में जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार पहला ये कथन गलत हो जाएगा फिर हम एलईडी लैंप को हम देखें तो एलईडी में जो है कि आर्क लैंप की तुलना में कम चमक होती है अगर एलईडी लैंप को देखें तो पारदार्क जो लैंप है उसकी तुलना में कम चमक होती है तथा एलईडी जो है कि वो कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें पारादार्क लैम्प के विपरीत गर्म या ठंडा करने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है अगर हम एलईडी को देखें तो ये जो है कि पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि उनका जो वोल्टेज वोल्ट होता है वो काफी कम होता है तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आज की क्लास में इतना ही थैंक यू